परम पिता आपका चरणों पर हम लोग आया है, ये मेरा फर्ज है सब लोग को और पुकार पुकार के बोलने के लिए, आपका सुसमाचार बढ़ाने के लिए, अपना पड़ोसियों को अपना दोस्तों को बताने के लिए, जो आपका एक लौटा बेटा इस दुनिया पे लहू बहाकर मुक्तिदाता कुर्बान किया उसका जिंदगी को, इसलिए हम असर से पुकार के सब लोगों को जाके बोलने के लिए एक फर्ज आपने दे दिया, उनको निभाने के लिए आगे बढ़ने के लिए विदा करो, शक्ति दे दो और मजबूत बनाओ सब लोगों को। हम लोग उदास नहीं रहना चाहिए, जो गम हमको मिटाना चाहता है आप, जो कष्टों में हम लोग चलते हैं आप, हमारा हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने वाला आपका हमारा साथ है, इसलिए उदास नहीं होंगे हम लोग। अब भक्ति गीत गाने वाले हिंदी क्वायर सबको जगावो, उन लोग जगमा गा के भक्ति गीत गाए आओ, असर से गाए, अच्छा सर से गाए, सब लोगों को आगे बढ़ने के लिए और सब लोग मंदिर में आके स्तुति आराधना करने के लिए विदा करो। और सब लोग ठीक ठाक से आया, आपने छंगा किया और ये समय बिताने के लिए अच्छा स्वास्थ्य दिया, इसलिए हम लोग आपके लिए धन्यवाद करना चाहते हैं। आपका पिता यीशु मसीह का नाम से ये प्रार्थना समर्पित करता हूँ, आमीन। साम 27 हम लोग उठेंगे, उनका साथ देंगे, उत्तरदायी पठन एक वचन सिस्टर पढ़ेगी। अभी का पाठ वचन है जो हमें मिलता है भजन संहिता उसका 27 अध्याय उसका 1 से लेकर 14 पद तक। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद आप लोग पढ़िएगा और लास्ट पद एक साथ सभी पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हियव बांधे निश्चित रहूंगा। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हे यहोवा मेरा सब सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। अपना मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। यदि मुझे विश्वास ना होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। सभी एक साथ यहोवा की बात जोहता रहा और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ यहोवा ही की बात जोहता रहे। प्रभु इस वचन पर आशीष दें, आमीन। साम 23 वो पढ़ेंगे, आज बाइबल संदेश का बाइबल पठन है वो। आज का हम लोग परमेश्वर का वचन से सुनेंगे साम 23। यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में ले आता, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है,
निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ ही साथ बने रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। ऐसे में अभी संदेश में जा रहा हूँ। आज का संदेश भजन संहिता से हम लोग ले रहा है साम 23। आज इसमें एक दो तीन वचन हम लोग पढ़ के आगे निकलेंगे। प्रभु मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदान में बैठाता और शांति जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धार्मिक मार्ग ले चलता है। यहाँ ये प्रभु मेरा चरवा है, दाऊद का ये स्तोत्र गीत, उनका जो जिंदगी है, उनका प्रभु से उनका जिंदगी मिलके जुलके है और उनका दिल प्रभु का दिल से जुड़ा हुआ है और वो चरवा करके प्रभु को बुलाता है। गॉड इज माई शेपर्ड, यू नो एवरी वन 23 साम यू बायटेड आई थिंक। किसको भी पूछो और अच्छी तरह और संडे स्कूल में उन लोग ये 23 साम के लिए बताते हैं उन लोग, क्योंकि चरवा है वो, इज माई शेपर्ड। और एक बात यहाँ है, मुझे मैं प्रभु मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं, किसी बात की चिंता नहीं। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग, दैट मीन्स देर इज नो कमी। किस बात की कमी? कौन सा बात? अगर मैं पैसा का महसूस करूँ, कम सोचूं, उसकी भी कोई चिंता नहीं। और मैं और पढ़ाई का चिंता करूं, उसका भी कमी नहीं है। और मैं कुछ भी घर के लिए मैं चिंता करूं, उसका भी चिंता नहीं। किसी बात भी ले लो, ऐसे आप ले लो, किस बात भी ले लो, काम, घर और रिश्ते में कुछ में भी कम नहीं रखेगा। लेकिन हम लोग ऐसे देखते हैं, भगवान और प्रभु को अपना चरवा बनाता है। चरवा मतलब शेपर्ड, ही विल ग्रेज, ही विल द शेपर्ड, ए टेंडर शेपर्ड, आई शेपर्ड, हम लोग ले जाते हैं कहाँ? ग्रीन पैचर्स। ही मेक मी टू ग्रेज, और ही मेक मी टू वॉक, ही मेक मी टू लाई डाउन ऑन द ग्रीन पैचर्स। हम लोग को ऐसे स्थिति में ले जाते हैं। ग्रीन पैचर मतलब ऐसे हरे, यहाँ लिखा है हरे मैदान में बिठाता है, हरे मैदान और ग्रीन पैचर्स। ग्रीन मतलब इट्स कॉल्ड हेडे इन इंग्लिश, हेडे इन द सेंस इट्स ए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट इज ए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हरे रंग देखने से उसका हम लोग डेवलपमेंट सोचते हैं, इसलिए हरे रंग हम लोग देखने से उसको सबको बोलते हैं कि ये तो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है। भगवान उसको ऊपर ले जाते हैं जिसको वो मानते हैं। इसलिए यहाँ बोल रहा है मुझे किस बात की कमी नहीं। मैं ऐसे बोलता हूँ कि मेरा भी कमी है, आपका भी कमी है, कमी महसूस पड़ता है सबको। सब जब प्रभु को हम लोग मान लिया, अपना चरवा बना दिया, भगवान को हम लोग उसका चरवा बना दिया, हम उनका रेले बन गया, वी बिकम ए शीप। डेविड हियर, डेविड रिवील्स दैट ही इज गॉड इज ए शेपर्ड एंड इज ए शीप। सो हम लोग ऐसे महसूस करना चाहिए, मैं हूं, मैं उनका शीप हूं। एंड गॉड कमांडेड टू पीटर, क्या बोला उन्हें? तू मेरा रेले का चरवा बनो, यू बिकम ए शेपर्ड एंड फीड द माई शीप्स। Great, tend my sheep. That is the right word. Tend my sheep. You tend my sheep. How can I tend your sheep? That means give the celestial broma. That means in the Greek terminology, celestial broma, heavenly food. With the heavenly food, you feed my sheep. You feed my sheep. So, abhi main aapko jo khana aur roti, dal, bandobast nahi kar raha hoon. ये बंदोबस्त भी परमपिता प्रभु करेगा, लेकिन उसका पहले मैं उनका सेवक बेटा यहाँ खड़ा हूँ, मौजूद हूँ। उसका कृपा से, दया से उसका वरदान तो दिया गया है, पवित्र आत्मा से जोड़कर मुझे मजबूत बनाकर यहाँ खड़ा कर कर बोलने के लिए आवाज देकर और चंगा कर कर यहाँ आगे आपका आगे आपका सामने खड़ा होने का शक्ति दिया। किस बात का? इसमें जो फूड मतलब उसका अंदर जो संदेश है वो इसी कॉल सेलेक्शियल फूड, उससे मैं आपको हर
हरे मैदान और हरे मतलब ऐसे और वाक्य संदेश में दे रहा हूँ जब आपका आत्मा आपका भर जाएगा और आप यहाँ से निकलेगा शांति से और जो बोलेगा मैं मंदिर गया उदास हो गया, मैं गा रहा हूँ उदास से गा रहा हूँ और मैं बाइबल संदेश दे रहा हूँ उदास हो के चिंता हो के रोते हुए मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन चिंता है और मेल का कमी है, वो कमी पूरा करने वाला वो प्रभु यीशु मसीह का पास हम लोग अभी आया। आई केम द कमली फीट ऑफ लॉर्ड इन दिस मॉर्निंग और मारो बिकॉज आई हैव डिजास्टर, आई हैव माई डिस्ट्रेस, आई हैव माई ट्रिबुलेशंस, आई हैव माई सारो, एवरीथिंग इज देयर, सैडनेस इज देयर, आई वॉन्ट टू पुट इट असाइड बिकॉज गॉड इज देयर, इज अ शेपर्ड, ऐसे कैसे शपर मात्र चरवा उनको आगे रेले को लेके जाते हैं, हरे जो पेड़ को और उसका जो डाली को काटकर उसे खाने के लिए देता है, ऐसे अच्छे जल स्थान पर हरे स्थान में ले जाता है और शांति भी देता है, उसका जो भूख मिटाता है और उनको अच्छे जगह जाके उनको रहने के लिए बंदोबस्त करता है। ऐसे हम लोग को सब लोगों को प्रभु है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं राजू को मानो और किसी को मानो, किसी का बात का ऊपर मैं चलूँ तो उनका बात आज रहेगा कल बिगड़ जाएगा, आज बोलेगा कल नहीं बोल पाएगा, आज वादा करेगा कल वादा निभाएगा नहीं, वादा हम लोग निभाते नहीं है क्योंकि जो परम पिता है वो वादा निभाता है, जो बात वो हम लोग को वादा करता है वो वादा से आगे लेके और उसका याद करके और आगे ले जाता है। ए अब्राहम मतलब इब्राहिम से बोला परमपिता ने, मैं आपका संतति को आगे बढ़ाऊंगा और आप लोग थारों को गिनती नहीं कर पाएगा जैसे मैं आप थारो जैसे तुम्हारा संतति को परिवार को मैं ऐसे आगे ले जाऊंगा, उसका जो मैं उसका डेवलपमेंट करूंगा, ऐसे उनको पूरा दुनिया भर उनको फैलाऊंगा और तुम सब लोग मेरे मुझको मानेगा मेरा बात में आप आगे चलेगा तो मैं दुनिया का सबसे अच्छा तारे जैसे आप लोग को चमकने वाला तारे जैसे बनाऊंगा, और नदी का और समुद्र का पास ले गया और उन्हें दिखाया मतलब ऐसे मैं आपको बनाऊंगा। द सी द सैंड यू कॉन्ट काउंट द सैंड, I make the countless people, throng of people, मैं आपको ऐसे आपको आगे ले जाऊंगा। देखिए वो बात बोला और कितना साल बीत गया, generations to generation, अभी तक जो बात और वचन जो covenant और वो promise को अभी याद करके हम सब लोगों को वो आगे बढ़ा रहा है। वो बात मानिए, प्रभु का बात एक बार बोल दिया तो बोल दिया, वो निभाने के लिए आगे बढ़ रहा है। मैं बात आज बोला कल सुनील से बोलूँगा, मैं यार मैं कब बोला वो बात, मेरा ऊपर है साथ रखे बोला प्रॉमिस, मैं कभी भी ऐसे मैं वादा करता हूँ ऐसे कसम खाता हूँ, यहाँ पकड़ते हैं सब लोग कसम खा के बोलता हूँ, मेरी कसम, बीबी का कसम, राजू का कसम, बेटा का कसम, बेटी की कसम, किसका कसम खा के बोलता है हम लोग, अभी अभी शादी में भी बोलते हैं कसम खा के बोलता, मैं आपको मेरा पत्नी मानता हूँ, मैं भी आपको मैं पति मानता हूं, पति परमेश्वर है, पति क्या होता है परमेश्वर है। दोबारा दो साल तीन साल बीत गया तो प्यार क्या हो गया बिगड़ गया, जो बात बोला आपने बोला आप भी बोला ना, आप बोला आप भी बोला ना, अरे फादरी का सामने बोला तो आप भी फादरी का सामने बोला, भगवान ने बोला मुझे मर्यादा देने के लिए और बोला आप भगवान ने बोला मुझे प्यार करने के, प्यार करो ना इनकार करो स्वीकार करो, ये बोले वो बोलेगा मेरा बात आप मानो, जिसके झगड़ा हो जाएगा सब लोग बात में नहीं रहेगा, एकता नहीं है, एकता नहीं है, इट्स नॉट वननेस ऑफ माइंड एंड वननेस ऑफ बॉडी एंड वननेस ऑफ स्पिरिट, बिकॉज गॉड इज वननेस एंड दैट्स व्हाई ही सेड कम फॉरवर्ड यूनाइट टू गैदर, दैट इज कॉल्ड यूकेरिस्ट, दैट इज कॉल्ड होली कम्युनियन, कम आगे आओ यूनियन के लिए आओ, जस्ट कम फॉरवर्ड टू यूनियन विद गॉड, दैट इज कॉल्ड फेलोशिप विद गॉड। अगर आप भगवान ने ऐसे हाथ फैलाया तो आपसे क्या कर रहा है, आपको फ्रेंड माना जा रहा है, दोस्त माना जा रहा है, दोस्ती करो, दोस्त बन के रहो, मैं आपका दोस्त बनूंगा, ऐसे फैलाया तो फेलोशिप, गॉड वांट टू मेक फेलोशिप विद अस, हाउ एंड व्हेन यू आपने दरवाजा खटखटाया
and you knock at the door, near the door, God will search. God says, certainly open your door, then he will come into your room or into your house and he will dine with you. Ab usse aapse milke aur wo bhojan karna chahta hai. Bhojan karna matlab aapse सहवास मतलब फेलोशिप बनना चाहता है. इसलिए वो ही हैज टच हिज आर्म, सेज दिस मच आई लव यू, हाउ मच डू यू लव अस, दिस मच आई लव यू, व्हिच मच नॉट दिस स्ट्रेचिंग आर्म ऑन द क्रॉस एंड नेल्ड ऑन द क्रॉस एंड क्रूसिफाइंग ऑन द क्रॉस एंड शेडिंग हिज प्रेसियस ब्लड फॉर अस, दैट इज अलमूल का चीज है. अभी देखो मैं आते हुए दिव्य श्री का ब्लड बैंक, दिव्यश्री आया नहीं है, दिव्य श्री का ब्लड बैंक है. तो ब्लड और रक्त को और डोनेट कर रहा है, डोनेट आपका शरीर का अंदर जो ब्लड है उसको दे रहा है. किसके लिए? ब्लड नथिंग बट इससे लाइफ, इट्स प्राण है. वो प्राण को त्याग कर दे रहा हम लोग. किसी को अगर मैं बीमारी पड़ गया तो ब्लड हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, किसी पेड़ से किसी केमिकल से वो उत्पत्ति नहीं होगा. किससे होगा? अपना बदन का अंदर है, शरीर का अंदर जो हम लोग खा रहे हैं उससे वो डेवलप हो जा रहे हैं. जो प्राण है, वो जो रक्त है और ये लहू है, उसको हम लोग किसी को दे रहा है तो उसका प्राण दे रहा है, उसका जिंदगी आगे बढ़ा रहा है उनका. वी आर इंक्रीजिंग हिज लाइफ ईयर्स टूगेदर, वी आर गिविंग लैंग्विटी टू दैट पर्टिकुलर पीपल. ऐसे ही परम पिता उनका बेटा को भेजा और उनको कुर्बान कर दिया, मतलब मार डाला, और उसमें जो पूरा खून है और लहू है बहाया, बहाया मतलब फ्लोइंग, बहा दिया, नदी जैसे बहता है ऐसे बहा दिया, पानी जैसे, पानी को हम लोग लेके फेंक देते हैं हम लोग, ऐसे सब उसका जो रक्त है जो खून है उसको ऐसे बहा दिया उसका अंदर. हम जाके हम लोग ऐसे उनका आप लोग स्प्रिंकल करो, आप उसको मानो ब्लड को और हम लोग नवजीवन बनाओ. इसलिए बोलता है मैं उसके वो हरे मैदान में बिठाता है और शांति जल का पास ले जाता है, मारा जो भूख है वो मिटाता है और मेरे को जो व्हेन आई थ्रस्ट God will take care of me everything. वो बोलता है कि मुझे नवजीवन देता है. कैसे नवजीवन आता है? जो नया उसका जो खून है, अपना जैसा पाप हम लोग किया, पाप का खून बह रहा है, जो वी हैव जम जलन है हम लोग को, जलन का खून बह रहा है, क्रोध है, क्रोध का खून बह रहा है. मैं राजू को देखा, उसको ऊपर आंख आईटा ऐसे उठाया, क्या मतलब बता ऐसे मैं आंख उसका ऊपर जैसे उल्लू जैसे उसका ऊपर उठाया तो उसके ऊपर गुस्सा है. मैं इसको ऐसे 45 एंगल में देखा, मतलब ऐसे देखा, ऐसे देखा उसका ऊपर, उसको जलन है, ऐसे जलन, ऐसे क्रोध, ऐसे गुस्सा कम करने के लिए कुछ नहीं है. अंदर जो बहरा है, अपना अंदर जो खून है वो पवित्र नहीं है, इसलिए वो उसका पवित्र रक्त और खून अपने दे दिया, सौंप दिया, उसको बोलते कुर्बानी, नव जीवन देना. इसलिए मैं नव जीवन बना, इसलिए मेरे आंख देखो चमक रहा है, मेरे गाल चमकेगा और मेरा बात चमकेगा, असर रहेगा. उदास नहीं बोलूंगा मैं, भगवान को मानो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूं, रोते नहीं बताऊंगा, क्योंकि अंदर है जो दम घुटने तक बोलते रहूंगा, दम घुटने तक, और इसका अंदर जो प्राण है वो परम पिता यीशु मसीह का नवजीवन है. वो नवजीवन का अंदर, नवजीवन कैसा? नवजवान बोलता है, जवान है, नवजवान ऐसे ना, जवान बोलता है यूथ. And you have our blood flowing in your nose called youth. When hot blood is not there in my body, I call old man. Babu, yahan jao, mujhe wahan tak le chalo, khana ka bandobast karo, main nahi dekh paunga kahan hai wo. Aise bhi gala ghut jayega, swar acche se nahi aayega. Nav jeevan matlab andar Isu Masih ka nav jeevan ka jo lahu hai, wo नवजवान है, जैसे नवजीवन है, जो आपका चमकने वाला आंख और आपका जो गाल और सब चमकना चाहिए, जो आवाज उदास से नहीं आना चाहिए. इसलिए मुझे नवजीवन दे दिया तो मैं क्यों चरवा है, वो मुझे चढ़ाता है पहाड़ में और चढ़ाता है चट्टान में और मैदान में. किसी ओ मैं इफ आई वॉक टू द वैली ऑफ डेथ, दैट इज बाका, दैट इज द वैली ऑफ डेथ बाका, वहां अंदर से जाने
भी वहाँ अंधेरा है, वहाँ मैं कदम रखने भी डरता हूँ, सांप रहेगा, कुछ ना चीज, डेंजरस एनिमल्स एंड स्नेक्स विल बी क्रोकोडाइल्स एंड ऑल पॉइजनस स्नेक्स विल बी देयर, बट द शैडो ऑफ डेथ, व्हेन आई वॉक थ्रू द शैडो ऑफ डेथ, मेरे को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा चरवा वो है मुझे आगे ले जाने वाला। मैं किससे डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं मेरा चरवा को मानता हूँ, मैं उनका रेले हूँ, वो मुझे चलाता है, चढ़ाता है और सबका बंदोबस्त करता है। कणक कहले आई शैल नॉट वॉन्ट एनी थिंग, डू यू वॉन्ट एनी थिंग, आई शैल नॉट वॉन्ट बिकॉज इज देयर गॉड इज अ फादर, इज माई शपर्ड, आई एम ए शीप, ही टेक्स केयर ऑफ, दैट इज वाई टेंड माई शीप, देर इज ए स्टैप इन हिज हैंड, देर इज अ रॉड इन हिज हैंड, the staff and rod both uses for me, one rod uses for the castigation, that is called punishment, so if I walk in the crooked way to correct, to mend my ways, when I stray from God, I'm aise nikal ke yahan se main badtameez ban gaya, beimaan ban gaya, mera farz main bhul gaya, मैं उनका चिंता कोई नहीं, उनका काम में कामयाब नहीं हुआ, मेरा उनका काम दिया गया काम में सफलता प्राप्त नहीं किया, उनका बातों में कमांडमेंट में नहीं चल रहा है, तो रॉड से करेक्ट करके अगर अच्छे सीधा साधा रास्ते में उनका रास्ते में मुझे चलाएगा, वही उनका स्टेपर्ड्स, नॉट स्टेप इट्स रॉड, स्टेपर्ड स्टेप मोसेस को दिया, मूसा को, है ना, उनका अंदर देखो, दिस इज योर स्टेप, होल्ड इट एंड पुट this step and stretch forward, dekho nadi nahi hai, samudra ka pani ikatta nahi hua, do taraf chale gaya, deewar ban gaya, aap ice bridge mein thoda thoda ice ka cubes dekhte hai, lekin you see it, this type of frozen water become solidifier because become your wall, deewar ban gaya, yes deewar ban gaya, as a rajmarg hua ki unka bacche इज़राइल उनको कदम कदम रख के पैदल जाने के लिए थोड़ा भी पानी नहीं है, वही उनका चलाने वाला, दो वरदान है उसको दे गया, वरदान है उसको दे गया, वरदान है आप घर में अच्छे संभाल के आप काम कर सकते, वरदान है ऐसे आके उसको क्लीन करे, वरदान है आप ठीक से भगवान का संदेश दे सके, आपका वरदान है, इट्स ए करिश्मेटिक टैलेंट एंड डोरिया एट द गिफ्ट ऑफ गॉड दैट यू आर स्टेबल ऑन द रॉक ऑफ जीसस एंड यू कैन प्रीच एंड यू कैन टीच आई कैन डिसेमिनेट द वर्ड ऑफ गॉड ऑल the corners of the world and you can sing, if you won't become a melodious singer, God will give good swara aapko dega, us swar se thal se aap ga sakega, sab log ko attract karega, it is a revelation step of God, that uska step, I have the step of God which gives me the talent to live and which gives me strength to go forward and it gives to uska su samachar bada ke sabko ikatta karne ke liye aap acha gaiye ek acha madhur geet gaane se koi log sota hai matlab savere gaane wala ek raag hai gaane se sab log acche se so jayega dopahar ka raag hai soega ab acche swar se gaiye jo vardhan aapko de gaya the step is with me and the rod is with me both controlled usko bolta hai telugu mein samatulyata is a equivalence equibalance like a balance he will put us zyada hone ke liye irada nahi dega isliye main bolta hu koi chinta parwa nahi hai mujhe kis baat ka chinta nahi hai the rock of jesus when he put you on you are going he will see because shanti jal mein shanti maidan mein aapko wahan rakh dega you are stable because god is there he has a staff one side and the rod one side he will make your way to go forward so chinta ka baat nahi hai agar sometimes we are unable to take decision because mere ko chinta har baat ki hoga jab when I come to the heavenly feet of god and pray together I become silent you know yahan bolna sham mana hai yahan asna mana hai yahan cheekna thookna mana hai silence when you go before god and when you see his face in the light of when you masses ho gaya aap bulaya aapko you became very calm and confident and sab log bol rahe the aap chup chap reh jayega and you groaning and no murmuring because you're stable calm down subject rehne wala calm rahega bina subject ka chilla chilla karega he will be very stable and calm because god's power is there no need to publish no need to tell and reveal and people when the time comes the timeless truth will come forward
जब आपको बता देगा, दैट्स स्टेबल. व्हाई आर स्टेबल? बिकॉज आई शैल नॉट वांट. इसलिए मैं घर बनाऊंगा करके ढूंढा ढूंढा ढूंढा. स्टेबल बिकॉज इट्स नॉट माय पर्स, इट्स नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी. ही विल टेक केयर. घर बनाने वाला वारे वो है और बसाने वाला वह है, सब कुछ देने वाला है. चिंता किस बात का? मैं कुछ नहीं पूछा. इस आपको अभी मैं बंद करना चाहता हूं, ऐसे समाप्त करना चाहता हूं. आपको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, पढ़ाई चाहिए, कुछ भी हो, यू स्टेबल बिकॉज यू शैल नॉट वॉन्ट. बिकॉज वो है चरवा, आप एक रेले है, एंड यू आर अ शीप, एंड डेविड अज्यूम्स इज अ शीप. दाऊद समझ रहा है मैं एक रेला और वो है चरवा, चरवा मुझे चलाता है वो. एंड यू विल गिव द गाइडेंस विद द स्टाफ. This is the staff. He will give the guidance, and the revelation comes from the word. That's why Psalm 119 and 50, 119, 28, 119, 30. देख सकते हैं अभी प्रवचन और वाक्य उनका जो बात है, जैसे हमारा उज्वाला बन के आपका कदमों पर वो चला वो डालेगा. Kind of thought is a negative thinking. Kind of thought is a dubious state of mind. That is, मेरे को संदेह रहेगा. संदेह पूरा निकाल के हम लोग वी स्टेबल दैट गॉड विल डू, लेट गॉड विल डू द मिरेकल. दैट्स व्हाई इन एक्सोडस चैप्टर 14 में बोलता है कि हाँ चुपचाप रह जाओ, मुंह बंद करो, डोंट ग्राउंड, डोंट मर्मर, देन लेट गॉड्स विल रिवील. उनको काम करने दो यार, उनको बताने दो. वो बात कर रहा है प्रवचन, वो उनको काम करने दो. आप मुंह ना बंद करके बोलते जा रहे तो आप चतुर समझने से, आप कामयाब समझने से, यू थिंक यू आर हैविंग अ माइटी पावर विद योर स्ट्रेंथ विद योर एजुकेशन एवरीथिंग. व्हेन यू कैलकुलेट एंड योर कैलकुलेशन डज नॉट मैच द कैलकुलेशन ऑफ गॉड, एंड यू 2 × 2 इज अ 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज गॉट समथिंग कॉन्स्टेंट यू से, बट लाइक अलजेब्रा है ना, लीनियर मैथमेटिक्स will not work together with the physical. He is not a physical mathematician. Uska ginti alag hai, uska marg alag hai. Hum sochte hai aise ho jayega easy se, nahi hoga. Isliye hum log aise ghumaye, hum log aise God circumambulated the Israelite around how many years? 40 years. How many days the journey? 40 days. Journey 40 days, but they God circumambulated 40 years together. क्यों ऐसे घुमा घुमा के बात? सब लोग ना घुमा घुमा के बात करते. ठीक है आप क्या ठीक हूँ? खाना खा लिया? खाना क्यों खाना है? खाना खा लिया बोलने से मैं खाना क्यों खाना है? आप मंदिर आया? हाँ आया. कितना समय आया? कितना समय भी हो आया. उल्टा फुलटा बात, उल्टा फुलटा बात. पर पिता ऐसे नहीं करते, उल्टा फुलटा नहीं, सीधा ले जा सकते. क्यों ऐसे ले गया? बिकॉज पीपल आर not kid God. They did not obey God's word. मैं बोलना चाहूँ अगर उसको चरवा बनाओ, and he will tend you if you are sheep. Listen his word. He will take care for everything. उसको सौंप दो पूरा, आपका जिंदगी सौंप दो. Dedicate your lives to God and submit your life to God with the humiliation. With the उसको आगे बढ़ने के लिए उनको बुलाओ अंदर, उनको मर्यादा दे, उनका इज्जत करो, इबादत करो. घसाना है ना, इबादत करो, उनकी इबादत करो, उनका इबादत करना चाहिए. अरे घर में मार दिया भाई का, बाहर आके रोया, क्या हुआ? घर में तो मार दिया भगवान को, घर में मंदिर में मार रहा है, बाहर आके बोल रहे मैं हम लोग भगवान का सेवा कर रहे हैं. What the hell, this word of God is making on the killing and the crucifying the word of God. बोल रहा है हम लोग प्यार कर रहे हैं. किस तरह का प्यार आप कर रहे हैं? आप किस तरह का प्यार? रॉड मतलब उनका अंदर आना चाहिए, मानना चाहिए, दंडवतु करना चाहिए. सो आई विल देन, सो परवा नहीं, चिंता नहीं. कम अंडर द गाइडेंस एंड विंग्स ऑफ द लॉर्ड, एंड ही विल टेक केयर. जब आप बुलाया, आपका फर्ज ले लिया, एंड ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेंडिंग यू. एंड क्या चिंता है? वो टेंडिंग करेगा, क्या खाना देगा नहीं देगा, पिलाएगा नहीं पिलाएगा, चलाएगा नहीं चलाएगा. हम लोग मानते हैं भगवान को, बोलते हैं प्रार्थना कर रहा है, होगा नहीं होगा. ऐसे ना हमारी जिंदगी में प्रेयर करते ले, भगवान मुझे प्रार्थना सुनेगा नहीं सुनेगा, देगा नहीं देगा, करेगा नहीं करेगा. ऐसी तरह नहीं. शैल नॉट वांट, भरोसा रखो, यकीन करो,
विश्वास रखो। वो मनोहर जैसा नहीं है, राजू जैसा नहीं है, इसे किसी तरह नहीं है। He's a God and Shepherd. He will tend you in the right way and the right path at the right time in any circumstances. मैं समाप्त करना चाहता हूँ। परम पिता आपके चरणों पर हम लोग आया है, ये संदेश हम लोग दे रहा है, हम लोग ये संदेश को मान के आगे जाने के लिए विदा करो। आप चरवा है, हम लोग रेले है, सही शांति मैदान में हम लोग बिठा कर और अच्छा जल हम लोग पान करने के लिए आप बंदोबस्त कर रहा है, इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम लोग भी आगे आके आपको भरोसा करें, यकीन करें, आगे बढ़े। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना समर्पित करता हूँ, आमीन।